आज मिथिलांचल में मैथिली भाषा भाषी में काहे ना गंदा गीत बने, ऐसे कि अगर हमें कोई गंदा गीत अगर गा देता तो मैथिली भाषा भाषी के जो लोग बटे वो डंटा लगे दुआ को पहुंच जाला। और समाज जितना जागृत बा मैथिली तौना के वजह से मिथिलांचल में आज तक गंदगी नहीं खे आई, आ यह गंदगी ना आईला के मतलब है कि आज मैथिली भाषा भोजपुरी भाषा से छोट भाषा भैला के बावजूद जी आबादी कम भैला के बावजूद जी आज मैथिली भाषा मतलब श्रद्धा के दृष्टि से देखल जा रहा बा जी। और हमने के भोजपुरी के अपमानित दृष्टि से देखल जाता। हम अपना तमाम गीतकार भाई लोगन के भी कहब कि चटनी खाएं लेकिन सब्जी ऐसा मत खाएं जी, व्यवस्था बनाई अपना भाषा से प्रेम करी, ज्यादा से ज्यादा होके कि हम मतलब कि जी प्रणाम रुआ सबके भोजपुरी करे पुकार में स्वागत बा। हर बार रुआ सबके केहू से ना केहू से मिलाई अपना भोजपुरी खाते थे, किस इनकी बारे मिलाओ तनी हम पूर्व कला संस्कृति मंत्री सह भोजपुरी राइटर जानल पहचानल राइटर जानल महा राइटर श्री विनय बिहारी जी से रुआ सब देखी यहाँ का कहते नहीं, रुआ सब विचार करी विमर्श करी बताई का होगे के चाहिए का करे के चाहिए हमने की भोजपुरी कैसन होगे के चाहिए और रुआ सब अपन सुझाव दी हमरा का करे के चाहिए। तमाम लोगों से मिलावत रह रुआ सब जुड़े रही हमारा साथे सहयोग अपन बनौले रहे हम रुआ सबका आभारी बानी आभारी रह बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिए अब विनय बिहारी जी से आज हम मिले तनी कला संस्कृति मंत्री पूर्व कला संस्कृति मंत्री श्री विनय बिहारी जी से बहुत बढ़िया राइटर भी रहल बनी यहाँ के। आज हम जानल चाहब अपना भोजपुरी के बारे में तो भोजपुरी के पुकार में राहुल हार्दिक स्वागत बा अभिनंदन बा बंदन बा कुछ ही हमारा के बताई कि आज भोजपुरी की जो दुर्दशा हो रहा बा अश्लील गीतन से अश्लील फिल्मन से क्या परवा का कहे के बा। सबसे पहले तो भोजपुरी श्रोता समाज के दर्शक समाज के हम विनय बिहारी दसों नौ जोड़ के सिर झुका के प्रणाम करते हैं और उस सवाल के जवाब जो बटे तौन चिंतनीय बा बहुत अपना तमाम भोजपुरिया श्रोता दर्शक समाज के हम विनय बिहारी दसों नौ जोड़ के नमस्कार करते हैं प्रणाम करते हैं और रुआ सवाल के जवाब में हम ये कहब कि भोजपुरी अपना अश्लीलता के चलते ही अष्टम सूची के अभी अंश नहीं बन पावल। अभी बीजेपी के जो कार्यकारिणी के बैठक भई रहा में हम बात उठौनी कि मैथिली भाषा को अष्टम सूची में शामिल किया जाता है तो हमारी भोजपुरी क्यों नहीं। तो अभी जो विषय वस्तु पर बात कर पड़ने के फिल्मन में गीतन में जो अश्लीलता आई बैठे हमारा बुझाता कि अगर श्रोता समाज सुधर जाए दर्शक सुधर जाए और बिहार में एगो सेंसर बोर्ड बन जाए तो भोजपुरी से की जो गंदगी बा दूर कर जा सकेला। हम बात पहले भी कहले बनी कि कुछ श्रोता समाज के भी सुधरे के पड़ी तो बहुत बढ़िया कमेंट ना ही आई कि गाँव वाला के सुधरे के चाहिए का बोलत तनी विधायक जी। भाई हम कहते कि आज मिथिलांचल में मैथिली भाषा भाषी में काहे ना गंदा गीत बने, ऐसे कि अगर हमें कोई गंदा गीत अगर गा देता तो मैथिली भाषा भाषी के जो लोग बटे वो डंटा लगे दुआ को पहुंच जाला। और समाज जितना जागृत बा मैथिली तौना के वजह से मिथिलांचल में आज तक गंदगी नहीं खे आई, आ यह गंदगी ना आईला के मतलब है कि आज मैथिली भाषा भोजपुरी भाषा से छोट भाषा भैला के बावजूद जी आबादी कम भैला के बावजूद जी आज मैथिली भाषा मतलब श्रद्धा के दृष्टि से देखल जा रहा बा और हमने के भोजपुरी के अपमानित दृष्टि से देखल जाता। हम अपना तमाम गीतकार भाई लोगन के भी कहब कि चटनी खाएं लेकिन सब्जी ऐसा मत खाएं जी, व्यवस्था बनाई अपना भाषा से प्रेम करी, ज्यादा से ज्यादा होके कि हम मतलब कि
अश्लीलता से बचे, श्रोता समाज बचे, गीतकार बचे, गायक बचे लोग। सबसे ज्यादा तो हम गायक लोगन के दोषी कहब कि गायक लोग मतलब कि अगर कोई बढ़िया गाना लिखा था तो गनो नहीं ले। अच्छा कुछ और बताओ जाए कि हम चाहे जो भी राइटर गीत लिखत होके या जो भी कलाकार गावत होके अगर सेंसर बोर्ड के बात कर जाओ तो कहे ना वो अपना एक बार माई अपना बेटी अपना बहन के सुना के लिख के सब गा दे क्या हो सकता। देखिए एक बात बताओ हम हमारा कहे का मतलब बा कि एक तो भोजपुरी में गंदगी को आज के बात नहीं जी। आज से 50 साल पहले गाना बना रहे एक बेर देबू धर्म हो या दूजे बेर देबू ललन हो 3:30 बजे जी। तो हमारा हम उसमें बहुत अंदर नहीं जाएंगे जी। हम खाली ये कहब कि भाषा में सुधार आवश्यक बा, भाषा अष्टम सूची में शामिल होके श्रोता सुधरे, गायक सुधरे, गीतकार सुधरे, हमने सब कोई मिल के भोजपुरी के प्रतिष्ठा बढ़ावल जाए तबे भोजपुरी के प्रतिष्ठा बची आ नहीं तो भोजपुरी के प्रतिष्ठा नहीं बच सके। और अपन अपन सुधार को लाल जाए तबे सुधार इमें राउत साहब क्या रही। देखिए हम तो हम ही नहीं कहे कि हम जो गंगा जल के धोवाइल बनी दूध के नहाइल बनी हम आज तक कोनो गंदा गीत लिखल ही नहीं थी। लेकिन ये वो जमाना रहा जब हम 1988-90 में आई रही तब हम बिजली रानी जी के, तारा रानी, चांद रानी गाना लिखले बनी। लेकिन समय हमरा के सिखा दिलस कि विनय बिहारी दीर्घायु बनना है, दुनिया में नाम करना है, लोग लंबे समय तक याद रखें, इसके लिए आपको भोजपुरी को साहित्यिक नजर से देखना पड़ेगा। और मैंने लगभग 700 फिल्मों में गाना लिखा है, 2-5 गाने छोड़ दें तो 20,000 गीत लिखने के बावजूद कोई मेरे ऊपर ये नहीं कह सकता। आप ज्यादा गाना लिखे है तो कोई दूसरा भी गाना लिख देता है तो कहता है विनय बिहारी जी, जी जी जी। तो हम इससे बहुत दूर रहते हैं और जब से हम माननीय पद पे आए हैं लगातार 3 बार विधायक बने हैं, 11 साल से विधायक बनी, हम बहुत दूर रहते हैं और हमको एहसास है और हम उसी एहसास के हिसाब से अपने साथियों को कहना चाहेंगे कि भोजपुरी से अश्लीलता हटाइए, ये बाजी लगा करके, ये मतलब कि एक होड़ लगा करके तू लिखा तरह इतना तो तरह से बढ़ के हम लिखा, ये होड़ में भोजपुरी की गंदगी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ये गंदगी को कम करना बहुत ज़रूरी है और जब तक हम फिल्मों में बहुत सक्रिय रहें, आप देख लीजिए बंधन टूटे ना प्यार के बंधन, मनोज तिवारी जी की कोई फिल्म उठा के देख लीजिए, रवि किशन जी की फिल्म उठा के देख, आध गाने अगर कहीं हो जाएंगे तो हो जाएंगे, वो भी सीन की डिमांड की वजह से, क्योंकि एक गीतकार जो है वो कभी नहीं होता जी। वो स्वच्छंद राइटर नहीं होता जी, जी। उसको फिल्म के सिचुएशन के हिसाब से अपनी कलम चलानी होती है। अब कोई विलन है उसके सामने हरे रामा हरे कृष्णा लिखना तो कोई सुनेगा नहीं जी। और वो सीन के साथ जाएगा नहीं। लेकिन पर्दा बहुत जरूरी है और जो सही मायने में अच्छा राइटर होगा वो गाना लिख देगा और वो गाना गंदा भी नहीं होगा और गाना आइटम भी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। संगम फिल्म में जी मैं क्या करूँ राम मुझे बूढ़ा मिल गया अमित जी गाए हैं, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, जिसकी बीवी मोटी उसका भी बड़ा नाम है, बेड पे लेटा दो गद्दे का क्या काम है। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर किसी चीज को तरीके से रखा जाए तो उसमें की बहुत सारी कमियां छुप जाती हैं। बिल्कुल। तो ये जो आजकल खुलापन आया है उसके विरोध में मैं हूँ और मैं अपन तमाम भोजपुरिया श्रोता समूह के हाथ जोड़ के एकदम विनम्र प्रार्थना करब कि अपने लोगन ऐसन गायक लोग के गीत न सुनी जौना से वो लोग के कंपनी के बल मिलत होके कि गंदगी कई जाए तो ज्यादा पैसा कमाई। अच्छा जैसे गायक राइटर जो छिछोड़ापन बा गया बना जातिवाद पर जिलावाद पर कि फलाना जिला के सार है फलानवा के सार है गायक कहल अस्टार कहल उचित बा ना उचित नहीं कर उचित नहीं कर अस्टार केकरा के माने के चाहिए भोजपुरिया समाज के तरह बता दिया हमारा अस्टार केकरा के माने के चाहिए भोजपुरिया समाज के तरह से बता दिया जाओ। देखिए हमारे नजर में भोजपुरी का स्टार वही है जो भोजपुरी भाषा से प्रेम करे और भोजपुरी भाषा गंदी न हो उसके लिए सोचे और भोजपुरी भाषा को गंदगी से दूर रखे और अष्टम सूची में भोजपुरी शामिल हो इसके लिए संघर्ष करे। बहुत बहुत धन्यवाद।
press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.